हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरवा मिर्च का पकौड़ा। ये देखिए, मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में मैं नमक डाल दूँगी आधी चम्मच, और हींग आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और ये डाल दिया है धनिया, और ये लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल दिया। आपके पास अगर चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। और बस इसका थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, बस मिर्च में कोटिंग हो जाए ऐसा करना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और एक हाथ से कर रही हूँ तो बनता नहीं है। और ये मैं आलू मिक्स कर रही हूँ भरने के लिए मिर्च के अंदर, और वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं भरवा मिर्च के पकौड़ा। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। और ये आलू में मैंने नमक डाल दिया आधी चम्मच। अब मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च हो तो वो डाल दीजिए या। और ये मैं धनिया डाल दूँगी एक चम्मच, और आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। और आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और मेरा भरने के लिए मसाला तैयार हो गया है, और मैं मिर्च में बीच में कट लगा दूँगी जिससे कि मैं आलू का मसाला भर सकूँ। और बस मैं आलू का मसाला भर लूँगी। ये कड़वी वाली मिर्च नहीं है, ये बिना कड़वी वाली मिर्च है। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें भर लूँगी, और फिर मैं और मेरी सारी मिर्चें भर चुकी हैं, और अब मैं इनमें कोटिंग कर दूंगी जो बेसन का पेस्ट बनाया था, इसी से पूरे मिर्च में ढक दूंगी, कोटिंग कर दूंगी। और ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा और पानी मिला लिया था, ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बस कोटिंग हो जाए इतना गाढ़ा करना है बस आराम से। और खाने में भी बहुत यम्मी लग रहे थे, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों में लगा दूंगी बेसन। और यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्च। इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है।
गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, जैसे पकौड़ियाँ पकाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारी मिर्चें फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा भरवा मिर्च के पकौड़ा। ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, इसको हम भरवा ही बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भिंडी काट के डाल दी थी बेसन के साथ, क्योंकि थोड़ा सा बेसन बच गया था। और ये इसकी भी मैं पकौड़ी बना लूँगी और इसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं भिंडी की, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। इस तरह से आप पकौड़ी बना लीजिए फिर उसकी सब्ज़ी बना लें। और ये काफ़ी गर्म थे तो काट नहीं पा रहे थे, और गर्म होते हैं तो सॉफ्ट तो हो जाती हैं मिर्चें, इसमें मसाला। और ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भरा है, इसमें दिख नहीं रहा था। और ये देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई है, अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। आप भी आइए कर लीजिए नाश्ता, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना और बताना ज़रूर कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।